नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश से। देखिए, मेरे YouTube चैनल पर आपको सोलर पंप और सोलर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, और YouTube पर मेरा चैनल है जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टैग के नाम से। तो इस पर जो मैं जानकारी देता हूँ वो सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही देता हूँ, और ख़ासकर सोलर पंप के बारे में, क्योंकि देखिए इस फील्ड की काफ़ी अच्छी जानकारी है हमें, और मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं सोलर पंप के, कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, कैसे लगता है, सारी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, आज फिर से मैंने अपना ये देखिए पंप चलाया हुआ है अपने खेत पर। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि वीडियो बना करके दिखाइए। अभी क्या था, बरसात पड़ रही थी, पहले से पानी की ज़रूरत नहीं थी। अभी क्या है, बरसात पड़ रही है और गन्ने को और खेत को पानी की ज़रूरत है, तो मैंने देखिए अपना पंप फिर से चलाया हुआ है। और देखिए वीडियो मैं दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी जानकारी दूंगा इसमें और सारी जानकारी दूंगा। कहना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी कोई भी समस्या हो सोलर पंप से रिलेटेड, कि आपका पंप चल नहीं रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, पैनल करंट पूरा नहीं निकाल रहा हो, या कंट्रोलर नहीं चक, एक्स वाई जेड कोई भी दिक्कत हो, या आपको ये सोलर पंप लगवाना हो, तो देखिए अपनी पिछली वीडियो में हमने अपने सारे नंबर बताए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अपना नंबर तो बताइए। तो दोस्तों देखिए, हमने लगभग अपनी सारी वीडियो के अंदर अपने नंबर बताए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहाँ से नंबर लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं सोलर पंप के बारे में। तो देखिए बता देता हूँ, हम जो जानकारी देते हैं वो सोलर वाटर पंप रोटोसोल 2HP की देते हैं, और ऐसा नहीं है 2HP की देते हैं, आपको कोई भी पंप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए इसकी जानकारी मैं फिर से दे देता हूँ आपको। ये देखिए 300 वाट के यहाँ पर 6 पैनल लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारी रोटोसोल की मोटर है 2HP की, ये 1500 वाट की होती है, और यहाँ पर 300 वाट के 6 पैनल हैं, यानी टोटल 1800 वाट। अब 1800 वाट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में कभी धूप घटती बढ़ती रहती है, बादल आ जाते हैं, या सुबह के टाइम में कम रहती है, शाम को कम रहती है, तो हमारी मोटर को जो करंट पूरा मिले, चक्कर पूरे बनते रहें, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 300 वाट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और वैसे भी इसमें दो दो की सीरीज बना के लगानी पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये चलता है। अगर आप इसमें 5 पैनल लगाना चाहें, 7 लगाना चाहें, तो नहीं चलेंगे, इसमें सीरीज से ही काम चलता है। तो देखिए दोस्तों, पूरा दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर 6 पैनल हैं, तो दो दो पैनल की सीरीज बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी सारी जानकारी दी हुई है। हमारे चैनल को YouTube पर खोल कर देखें, जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टैग के नाम से, और वहाँ से पूरी जानकारी इसकी प्राप्त करें। पूरा आपको कनेक्शन के, देखो कनेक्शन की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, पूरी A to Z, काफ़ी लंबा वीडियो है, उसमें एक एक वायर की जानकारी दी है। और देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले बोला था पिछली वीडियो में अपनी, कि हम इसको हाथ से भी टच कर सकते हैं, तो देखिए करंट तो करंट ही होता है, ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको हाथ से टच ना करें, कोशिश करें पूरी सावधानी बरतें, प्लास वगैरह लेके या बंद करके, तब इसके तार वगैरह हम अपने पूरी सेफ्टी पर्पस लेकर के इसके तारों को छुएं या लगाएं या हटाएं। नंगे तारों को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए DC हो या AC हो, करंट तो करंट ही होता है, और शॉक लगने का खतरा दोनों में ही हो सकता है। तो किसान भाइयों, अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अभी बादल आ गए हैं, आप देख सकते हैं मौसम में आज, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, मौसम काफ़ी गंदा हो रखा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, और बादल हुए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सूरज पे भी ये बादल आ गए हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पंप चला करके दिखाऊंगा, पूरा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा इसका। अभी ज़रा बादल आ गए हैं इसके सामने। तो किसान भाइयों, इसकी सीरीज कैसे बनाते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, और देखिए काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि भाई ये हमको भी लगवाना है, ये है,
तो देखिए थोड़े पर्सनल कामों की वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सभी लोगों के, देख तो लेता हूँ और जो मुझे जचता है उसका रिप्लाई भी दे देता हूँ, लेकिन बार बार एक ही कमेंट आता है लोगों का। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सारी वीडियो देखें, हो सकता है आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके सवाल का जो जवाब है वो हमारी वीडियो में आपको संतोषजनक जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि जितनी अच्छी वीडियो हमने बना करके डाली हुई है, पूरी जानकारी ए टू जेड डीप जानकारी पूरी दी हुई है इसकी, शायद किसी और ने उतनी जानकारी दी हो। अब देखिए किसान भाइयों, हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं, बस इतना ही है हमारा मतलब, तो ये कि हम प्रचार करना चाहते हैं इस कंपनी का, क्योंकि देखिए हमें ये जैसे हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे ही और किसान भाई हमारे फ़ायदा उठाएं। हम इसको चला रहे हैं इतने दिन से और ना जाने हमने कितने पंप ये लगवा भी दिए हैं अपने माध्यम से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई हमको भी लगवाना है, तो हमने बहुत सारे पंप जो है इसके अपने एरिया में लगवा दिए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि भाई हाँ हमको ये लगवाना है, हम इस स्टेट से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। तो देखिए ज़्यादा दूर तो हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि अभी इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन अपने आसपास 150 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी को लगवाना होता है तो हम लगवा देते हैं। ऐसा नहीं है हमारे थ्रू लगवाएं, हम पूरी जानकारी देते हैं कि सस्ते में कैसे लगेगा, क्या करना है, क्या क्या चीज़ आपको असेंबल करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए किसान भाइयों, अब मैं आपको ये पूरी जानकारी इसकी दे देता हूँ। 300 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इसका हमने कनेक्शन बनाया हुआ है यहाँ से, ये देख सकते हैं, ये देखिए इसका रेड वाले तार का यहाँ पर कनेक्शन है और ये जो काला वाला तार है इसका यहाँ पर कनेक्शन है, ये पूरा बनाया हुआ है और ये देखिए पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब मैं आपको पंप स्टार्ट करके चला करके दिखाता हूँ अपना पूरा, तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किसान भाइयों। रोटोसोल सोलर वाटर पंप 2 HP, ये रहा इसका कंट्रोलर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये देखिए इसकी ये डिस्प्ले है यहाँ पर, ये परफॉर्मेंस डिस्प्ले है कंट्रोलर की, इसमें आप पूरा देख सकते हैं कितने एम्पियर आ रहे हैं, कितने बोल्ट आ रहे हैं, कितना करंट आ रहा है, सारा कुछ देख सकते हैं इसमें। और ये रहा देखिए रोटोसोल सोलर वाटर पंप 2 HP का पंप, ये रहा यहाँ पर, ये पहले भी मैंने दिखाया है, ये यहाँ पर बोरवेल है, ये यहाँ पर बोरवेल है, इसमें इसको फिट किया हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए ये रहा यहाँ पर। अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ और देखिए किसान भाइयों इसका आप परफॉर्मेंस देखिएगा कितना अच्छा परफॉर्मेंस, ये देखिए मैंने चला दिया है 5-10 सेकेंड में ऑटोमेटिक ही पंप स्टार्ट हो जाता है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं सभी किसान भाई। तो देखिए किसान भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ, सेम प्रोसीजर मैंने पहले भी अपनी कई बार, तो किसान भाइयों देखिए सारा कुछ मैंने बता दिया है और पंप चलाकर भी आपको दिखा दिया और आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, देखिए चल रहा है, ये इसके मुंह पर 2 या 2.25 इंची का पाइप है और आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितनी दूर ये देखिए प्रेशर का पानी दे रहा है, कितनी दूर इसका धार जा रही है इसकी आप देख सकते हैं। तो हम तो किसान भाइयों इससे बहुत खुश हैं और हमने जिन जिन को भी ये लगवाया है उनसे पूछा भी है कि बताइए कैसा लगा आपको इसका एक्सपीरियंस, तो सभी ने बताया कि हाँ हम बहुत खुश हैं, हमारा जो काफ़ी इससे मतलब डीजल की बचत हो रही है और घर में बिजली की भी बिल जो हमारा कम आ रहा है, क्योंकि घर में भी लोग इसे चलाते हैं। तो देखिए इसके घर के जो लोड है घर में कैसे चलाते हैं इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द किसान भाइयों डालने वाला हूँ कि आप कैसे इसको घर पे चलाएं, घर पे आप इसको कैसे चलाएं, घर का लोड कैसे चला सकते हैं आप इससे, ये इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, क्योंकि देखिए पहले से मुझे टाइम नहीं लग पाया था इसलिए मैं डाल नहीं पाया। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि भैया इसको घर पे कैसे यूज करें आप ये बताइए, तो देखिए मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है घर पे देखो यूज तो कर सकते हैं लेकिन गलत यूज करने से, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपकी बैटरी को करंट ज़्यादा की ज़रूरत है या कम की ज़रूरत है, तो गलत यूज करने से बैटरी क्या होती है जल्दी ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं पूरा बताऊंगा कि कितनी बैटरी है तो उसको कितना करंट देना है, कितने पैनल आपको लगाने हैं, सीरीज में लगाने हैं या पैरेलल में लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, सारी जानकारी आपको देखिए कनेक्शन मतलब आपको इसका मैं घर पे चला करके दिखाऊंगा और घर का लोड कैसे चलाते हैं वो भी दिखाऊंगा। बस आप हमारी वीडियो देखते रहें, बने रहें, आपकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं। और देखिए किसान भाइयों ये तो DC पंप है, अगर आपको 1 HP से लेके या 2 HP से लेके 10 HP तक का
ये सरफेस पंप लगवाना हो या सबमर्सिबल लगवाना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम दोनों ही डील करते हैं, सबमर्सिबल में भी और सरफेस में भी हम दोनों आपके यहाँ पे लगवा सकते हैं। क्योंकि देखिए इस फील्ड की हमें काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई है, तो क्या है देखिए जब जानकारी होती है तभी हम दूसरे को भी जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप सारी वीडियो देख लें, हम ये नहीं कह रहे कि आप लगवाना ही, लेकिन आप वीडियो देखें, अपने आप को संतुष्ट करें, परफॉर्मेंस देखें वीडियो में इसका पंप का कैसा है, और दूसरे जो वीडियो हैं उनका भी देंगे, कंपेयर करें, फिर आप जो सही हो उसी का चुनाव करें, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो 1 HP से लेके 10 HP का, 5 HP का, 10 HP तक जो भी आपको AC पंप भी लगवाना हो, जो मीन्स AC मीन्स ये कि जो आप लाइट से भी चला लें और सोलर से भी चला लें, तो हम वो भी लगवा सकते हैं कि आप उसको लाइट से भी चला सकते हैं और सोलर से भी चला सकते हैं, 1 HP से लेके 10 HP तक का। तो देखिए किसान भाइयों, मैंने सारा कुछ इसमें जानकारी दे दी है, और ये देखिए पंप यहाँ पर चल रहा है, ये पानी यहाँ से होकर इधर ये गन्ने में जा रहा है, हमारे काफ़ी दिन के बाद चलाया है क्योंकि पहले से बरसात पड़ रही थी, ज़रूरत थी नहीं तो इसलिए चला नहीं पाया। और काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट्स भी आए हैं वीडियो पर मेरे, तरह तरह के सब ने अपनी अपनी अलग अलग समस्या पूछी है, तो मैंने सभी का जवाब देने की कोशिश की है और इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सब कुछ बता दिया किसान भाइयों के, अगर आपको लगवाना हो तो हमने अपने कॉन्टैक्ट, और किसान भाइयों बहुत जल्द ही हमें 2-4 ऑर्डर और मिल गए हैं किसान भाइयों के कि हमको ये पंप लगवाना है, तो हम देखिए बहुत जल्दी उनका वीडियो भी आपको डाल करके दिखाएंगे, पूरा लगा करके सेटअप कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई हमको भी ये लगवाना है, हमको भी लगवाना है। लगता कैसे कैसे देखिए, दोनों तरीके से लग जाता है, सब्सिडी के माध्यम से भी और नगद के माध्यम से भी। सब्सिडी से कैसे लगता है पूरी जानकारी वीडियो में बताई हुई है मैंने पहले भी, क्योंकि अभी क्या है पता नहीं, योजना वो चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी जो सरकारी योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं और उनमें देर हो रही है काफ़ी, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नगद में लगवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नगद में देखिए इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1 लाख के आसपास ही ये लग जाता है, क्योंकि जो मेन खर्च है मोटर का और इसका कंट्रोलर का ज़्यादा पड़ता है, पैनल तो अभी काफ़ी सस्ता मिलने लगा है मार्केट में। तो हर किसी भी किसान भाई को ये लगवाना हो तो हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बताएं, हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे कोई भी आपकी समस्या हो उसके बारे में पूछें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, बेझिझक आप हमें कॉल करें, अपनी समस्या कमेंट में बताएं हमें। देखिए सारी जानकारी दे दी है मैंने और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है आजकल कि हाँ भाई हमको भी लगवाना है, तो बहुत जल्दी हम वीडियो बना करके डालेंगे और लगवाने वाले हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी भी किसान भाई को लगवाना हो हमसे संपर्क करें, क्योंकि देखिए हमने ये काम अपने हाथ में ले लिया है और बहुत जल्दी जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का है वो सारा कुछ हमें पता लग चुका है, और कैसे कैसे क्या है, इसकी डीलरशिप हमको मिली गई है, मतलब मिलने ही वाली है, मिल गई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि आप डीलरशिप ले लीजिए, हम आपके माध्यम से लगवाएंगे, तो हम डीलरशिप इसकी ले रहे हैं किसान भाइयों। तो आप जिस किसी को भी लगवाना हो हमें बताएं। और देखिए इसका जो 3 HP का जो पंप है DC, काफ़ी सारे लोगों ने 3 HP का समर्सिबल लगवाया हुआ है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो 3 HP का जो मोनो ब्लॉक पंप है DC, बहुत जल्दी मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी वीडियो भी मैं आपको डाल करके दिखाऊंगा, वो पूरा 3 इंची फोर्स का पानी देगा, जितना आपका जो पंपिंग सेट है इंजन है वो देता है, उसके बराबर पानी देगा, मात्र 3 kW पावर में, 300 वाट के 10 पैनल होंगे उसमें, वो पूरा 3 इंची पानी देगा जितना आपका पंपिंग सेट देता है। तो देखिए मैं बहुत जल्दी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ और आने वाला है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई है कि हमको ये चाहिए, तो सभी किसान भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत जल्दी वो आने वाला है, उसकी वीडियो डालूंगा बताऊंगा। तो बस कहना यही चाहता हूँ कि हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी कोई समस्या हो बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लोगों को जानकारी दें इसके बारे में, बस यही कहना चाहता हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों, इसी के साथ अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, आपकी को अगर कोई गलती हुई हो इसमें तो माफ़ कीजिएगा, देखिए हमारा तो उद्देश्य एकमात्र सभी किसान भाइयों को इसके बारे में जागरूक करना है। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी कोई भी समस्या है, जिसने ये ऐसा पंप लगवा रखा है सोलर पंप या कोई और पंप लगवा रखा है, आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं चल रहा है, कम चलता है, या परफॉर्मेंस सही नहीं है, पैनल करंट कम निकाल रहा है, कोई भी दिक्कत है आपकी सोलर के पंप से रिलेटेड, या घर पे सोलर आपने लगा रखा है उसमें कोई दिक्कत है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कॉल करें, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे, अगर आपकी साइट पर जाकर करना होगा वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहें, बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या हो आप हमें बताएं। तो धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, JS राजपूत सोलर कंपेयर सोलर टेक के साथ।
परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं इसका, देखिए कितनी दूर ये धार मार रहा है। और आज देख सकते हैं मौसम में आज बादल हैं काफ़ी, ये देखिए आप, इतना साफ मौसम नहीं है आज, काफ़ी मतलब धूप कम है, क्योंकि वैसे भी अब सर्दी आने वाली हैं तो अभी धूप कम हो गई है। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। सारी वीडियो देखें, हमारी भी देखें और भी देखें और कंपेयर करें कि हाँ किस पंप का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए मात्र 1800 वाट पावर में अगर इतना अच्छा पानी कोई और पंप दे तो आप एक बार हमें बताएं और आप कंपेयर करें दोनों की, और जितनी वीडियो डाली हुई है सभी लोगों ने आप उसकी कंपेयर करके देखें। देखिए बहुत कम पावर है, मात्र 1800 वाट है, और इसको इसका ट्रॉली सिस्टम में बनवाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, अभी जो अगली वीडियो में डालूंगा ट्रॉली सिस्टम के। और देखिए मैंने पहले भी इसकी ट्रॉली सिस्टम की वीडियो डाली हुई है, जो भी हमने लगवाए थे अपने माध्यम से ट्रॉली सिस्टम बनवाया था कुछ किसान भाइयों ने, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो अपना भी मैं इसका ट्रॉली सिस्टम बहुत जल्दी बनवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ पर्सनल कामों में बिजी था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इसको नहीं लगवा पाया। अभी मैं अब अगली बार चलाऊंगा इसको तो कोशिश करूंगा इसका ट्रॉली सिस्टम पर भी बनाकर ही इसको चलाऊं। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ किसान भाइयों, कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताएं, कॉन्टैक्ट करें हमें, नंबर बता दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों, मैं इसको बंद करता हूँ।